प्यारे बच्चों, आइए हम हमारे अगले नुकात की तरफ बढ़ते हैं। अनासिर की कीमियाई अलामतें। डाल्टन ने अनासिर को अलामतें देने के लिए मखसूस निशानियों का इस्तेमाल किया, जैसे हाइड्रोजन के लिए दायरे में नुक्ता, जबकि तांबा अंसर के लिए दायरे में सी जैसी अलामतों का इस्तेमाल किया। और आज हम IUPAC नाम इस्तेमाल करते हैं। IUPAC का पूरा मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC अलामतें मंजूरशुदा नाम और अलामतें हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं। मौजूदा कीमियाई अलामतों का तरीका ब्रिजलेस के दरियाफ्त करदा तरीके पर मुनहसर है। इसके मुताबिक अंसर की अलामत इसके नाम के पहले हर्फ और पहले या दूसरे या दिगर मखसूस हर्फ होते हैं। दो हर्फ में से पहला हर्फ अंग्रेजी का कैपिटल होता है और दूसरा हर्फ अंग्रेजी के छोटे हर्फ में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम, आयरन और कैल्शियम, जिसमें सोडियम का पहला हर्फ कैपिटल N है और दूसरा हर्फ स्मॉल है, लेकिन सोडियम का पहला हर्फ उसके स्टार्टिंग के वर्ड के मुताबिक नहीं है, यानी जो शुरुआत का उस अल्फाज के मुताबिक नहीं है। इसी तरह आयरन FE, जिसमें F कैपिटल है और E स्मॉल है, कैल्शियम CA, यानी कैपिटल C और स्मॉल A वगैरह है। आइए अब हम अनासिर और मुरक्कबात के सालमात का मुताला करते हैं। बाज़ अनासिर के जौहर आज़ाद वजूद रखते हैं, मिसाल के तौर पर हेलियम, नियॉन, यानी ये अनासिर एक जौहरी सालमे की तश्कील में होते हैं, यानी इनका सिर्फ जो सालमा होता है वो एक जौहर से बना होता है। कभी कभी अनासिर के दो या ज़्यादा जोहरों के तामुल से इन अनासिर के सालमे तैयार होते हैं। ऐसे अनासिर को कसीर जोहरी सालमे की शक्ल में पाया जाता है, यानी कुछ अनासिर के जोहर आज़ाद वजूद रखते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक जोहर होता है, और कुछ अनासिर के जोहर एक से ज़्यादा जोहरी सालमात की शक्ल में पाए जाते हैं, जिन्हें कसीर जोहरी सालमात कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये अनासिर दो जोहरी सालमी हालत में होते हैं, यानी O2 N2 इसी तरह होते हैं। जब मुख्तलिफ अनासिर के जौहर एक दूसरे से तामुल करते हैं तब मुरक्कबात के सालमे तैयार होते हैं, यानी जब जौहर एक दूसरे से तामुल करते हैं, मुख्तलिफ जौहर एक दूसरे से तामुल करते हैं, तब इनके मुरक्कबात तैयार होते हैं, सालमात तैयार होते हैं।